गुड मॉर्निंग क्लास। श्री दीपन चौधरी महाविद्यालय से आज आपके सामने बी ए फर्स्ट ईयर में जो आपका टॉपिक चल रहा था अटेंशन, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, डिटर्मिनेटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन के जो आपका अवधान होता है उसके हम निर्धारक देखेंगे कि किन किन चीज़ों की वजह से आपका जो अटेंशन है वो डेवलप होता है या बनता है। ठीक है, तो अटेंशन कौन कौन सी चीज़ें खींचती हैं या किन किन चीज़ों की वजह से अटेंशन हम शिफ्ट करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम नोटिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिख ही रहे हैं कि जो आपका अटेंशन है उसमें आपका दो प्रकार के निर्धारक इसमें बताए गए हैं। तो दो प्रकार के निर्धारक इसमें है, पहला है वस्तुनिष्ठ और दूसरा है आत्मनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ में तो होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो चीजें सामने आपके पर्यावरण में मौजूद हैं आप उनको ही महसूस करके आप पूरा अपना एक अटेंशन ऊपर शिफ्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो फोकस्ड पॉइंट होता है वो इन्वायरमेंट में मौजूद होने वाले फैक्टर होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में। और दूसरा होता है आत्मनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ में पूरा जो फोकस होता है वो व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी पे होता है, मतलब कि पर्सन अपना अटेंशन कहाँ देना चाहता है वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है, तो अपना अटेंशन किस जगह शिफ्ट करना है और उस अटेंशन में अपना इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी पर्सन अटेंशन लेता है और मोटिवेशन भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अटेंशन के लिए 3 से 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है सेटिस्फैक्शन, ठीक, और चौथा है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, और आपके थिंकिंग, आपके थॉट और आपके इमोशन, ये सारी चीजें आपके अटेंशन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला है वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ में सामने वाली चीज की, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हैं और आपके सामने जैसे मान लीजिए ताजमहल है। ठीक है, आप ताजमहल घूमने गए, अब ताजमहल की इतनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब ताजमहल में इतनी अच्छी फीचर्स है कि आपका अटेंशन उसकी तरफ जाता है, या फिर आपका खुद का अपना मन है कि आप ताजमहल को इतना सुंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, यह आपका नजरिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो थ्योरी अप्लाई होगी वो होगी वस्तुनिष्ठ निर्धारक। क्यों? क्योंकि ताजमहल के खुद के फीचर इतने अच्छे हैं कि आपको वो देखने में अच्छा लग रहा है। और हम ऐसे मतलब जैसे अगर इसकी जगह बात करें तो इसका कॉमन सा फैक्टर ये है कि जो विशाल चीजें होती हैं हमें विशाल चीजें आकर्षित लगती हैं और हमें देखना पसंद होता है, यानी कि विशाल चीजें ही हमारा अटेंशन अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ, ये उसकी अपनी क्वालिटी है। अब दूसरा, अगर कोई चीज उसमें उसकी अपने फीचर नहीं भी है तब भी आप उसमें क्या नया देख पा रहे हैं, क्या अच्छा देख पा रहे हैं, वो चीजें कहलाती हैं आत्मनिष्ठ निर्धारण। ठीक है, तो उसमें आप अपना आपका अपना नजरिया होता है कि आप उस चीज में क्या पॉजिटिव या क्या अच्छा देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वस्तुनिष्ठ निर्धारक है उसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है आपका वस्तुनिष्ठ निर्धारक में, तो पहला पॉइंट इसमें है उत्तेजक की तीव्रता। ठीक है, तो ये तो सही बात है। तीव्रता को ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी आंखों के सामने 3 कलर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चेरी रेड है, डार्क रेड है और लाइट रेड है। तो आपका अटेंशन सबसे ज्यादा जल्दी कौन खींचेगा? चेरी रेड। क्यों? क्योंकि उसकी वेव्स बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ले लें चाहे फिर ट्रेन का सिग्नल ले लें, आप इसको रेड, इसका जो एक तरीके से अलर्ट या कि डेंजरस डेंजर का सिग्नल क्यों मानते हैं? क्योंकि जो रेड होता है, जो ओरिजिनल प्योर रेड होता है, उसकी वेव्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं और वो बहुत दूर से नज़र आ जाता है। ठीक है, और ग्रीन और येलो इसलिए इसके बाद जो रखते हैं। ठीक है, ग्रीन इससे जल्दी परसीव, रेड के बाद जो सेकंड नंबर पे अच्छे से परसीव होता है वो होता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर की वेव्स रेड से थोड़ी स्लो होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप निकलने के लिए वो लग करते हैं। और येलो वेव्स बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो इसीलिए येलो वेव्स को थोड़ा लास्ट में रखते हैं। उसका मतलब अगर येलो वेव्स ज़्यादा जल्दी नहीं नोटिस हो रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको आराम से जाना है। ठीक है, तो ये वेव्स का सिंबल लैंग्वेज है ये आपकी, ताकि आपको साइन से सिग्नल में आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये अटेंशन ही तो खींचते हैं आपका, तो ये होता है। तो लाइट की तीव्रता
आवाज की तीव्रता, जैसे मान लीजिए अगर आपके आसपास 10 लोग हैं और एक पर्सन बहुत तेज बात कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो अटेंशन होगा उन 10 लोगों में सबसे ज्यादा कौन खींच लेगा, जो सबसे तेज बात कर रहा है, ठीक है। और अभी हम बात मान के चलिए, यहाँ सोचिए जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों की आवाज अलग अलग है, होती भी अलग अलग है। अब उसमें जिसकी सबसे सुंदर आवाज होगी आपका अटेंशन सबसे पहले उसकी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये सेकंड है सत्ताकाल। अब सत्ताकाल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज आपके सामने कंटिन्यू बनी हुई है तो उसकी तीव्र मतलब वो चीजें फिर आपके अटेंशन को देर तक बना के रखेंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपके सामने से बिल्कुल तुरंत देखने में ना दिया जाए, तुरंत निकाल लिया जाए, तो आपका अटेंशन तो उस पर जाएगा लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो क्या है। ऐसे ही जो चीजें थोड़ी भी देर तक रहती हैं तो वो आपका अटेंशन खींच लेती हैं, ठीक है। थर्ड है आपका विरोध। तो विरोध मतलब दो अपोजिट चीजें, जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान लीजिए डार्क रेड है और लाइट अच्छा चेरी रेड है, ठीक है, प्योर रेड है, तो आपका अटेंशन विरोध आवास में, यहाँ देखिए दो चीजें विरोध में चल रही है ना, अब तो विरोध में किस पे जाएगा आपका चेरी रेड पे। यही ले लें ब्लैक और व्हाइट को तो सबसे ज्यादा किस पे जाएगा आपका ब्लैक पे, क्योंकि वो डार्क कलर है। तो ऐसे ही कोई भी चीज अब जब दो चीजों में विरोध होता है तो जो हाईलाइट चीज होती है उस पे आपका अटेंशन जल्दी जाता है, ठीक है। अगला है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है वो चीजें बार बार आपके सामने प्रेजेंट होना। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी पर्सन को अच्छे से जानते नहीं, आपके सामने पहली बार आया, तो वो आप उसको हो सकता है कि अगले या 2-4 दिन या 5 दिन 10 दिन में भूल जाए, है ना, या हो सकता है 1 महीने में, ठीक है। लेकिन अगर वही पर्सन आपके पास बार बार आता है, मान लीजिए वो पर्सन आपको कम से कम 3 से 4 साल आपके सामने कंटिन्यू उसका बिहेवियर प्रेजेंट है, तो आप उसे लाइफ टाइम याद रखेंगे, ठीक है। तो यही होता है कि जो चीज़ें बार बार बनी रहती हैं वो आपके अटेंशन को बार बार खींचती हैं और वो मेमोरी में भी सुरक्षित होती हैं, ठीक है। अगला है पृथकीकरण। तो पृथकीकरण मतलब एक चीज दूसरी चीज से कितनी ज्यादा अपोजिट है, बहुत अपोजिट की बात करेंगे तो इसमें भी दोनों की अलग अलग अटेंशन आपका जाएगा। नेक्स्ट है नवीनता। तो नयापन, हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने जब भी कोई पुरानी चीज होती है तो हमारा अटेंशन उस पर कम जाता है, बल्कि कोई नई चीज आती है तो अटेंशन हमारा उस पर जल्दी खिंच जाता है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे चीजें हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आकार। तो ये भी डिपेंड करता है, अगर किसी चीज़ का आकार छोटा होता है तो आपका अटेंशन थोड़ा देर में उस पर जाता है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बड़े आकार की होती है तो आकार का ही फर्क आपके अटेंशन पे पड़ता है, तो वो देर तक भी बनी रहती है। नेक्स्ट है गति, मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें अगर मान लीजिए किसी चीज़ की फास्ट गति है या अपोजिट गति है तो वो चीज़ें आपके अटेंशन को उसी हिसाब से खींचती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आराम आराम से आपके सामने से गुजर रही है तो ऐसे भी आपका अटेंशन देर तक रहेगा उस पर, लेकिन कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आपके सामने ट्रेन निकल रही है, ठीक है, तो सामने जो ट्रेन निकलेगी तो आपका पूरा, अगर बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड होगी उसकी तो आपका अटेंशन हर एक डिब्बे पर जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी तेज होगी तो आप हो सकता है एक जो डिब्बे मिस करके अटेंशन दे पाएं, और अगर बहुत फास्ट होगी तो हो सकता है आप केवल कलर ही देख पाएं कि किस कलर की ट्रेन थी, ठीक है, ये नहीं देख पाएं कौन सी ट्रेन थी, ठीक है। नेक्स्ट है परिवर्तन। तो परिवर्तन मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो आपका अटेंशन उस परिवर्तन के प्रति जाता है और उस परिवर्तन को आप अपने अनुभव में सेव करते हैं। फोर्थ टेंथ है आपका स्थिति। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो भी चीज़ है वो किस सिचुएशन में आपका अटेंशन ले रही है। मान लीजिए उसकी सिचुएशन तो है अटेंशन लेने की, ठीक है, तो मतलब जो भी चीज़ है जैसे कोई सिचुएशन में आपका कोई अटेंशन खींच रहा है, लेकिन उसमें जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ जो है वो आपके एक तरीके से बिल्कुल सामने है, ठीक है, सामने है तो आपका अटेंशन उस पर ज़्यादा जाएगा, और उसके जस्ट पीछे जो चीज़ होगी उस पर अटेंशन थोड़ा कम जाएगा, है ना, और उसके जस्ट पीछे होगी उस पर थोड़ा कम, तो ऐसे ही अटेंशन डिवाइड हो जाता है और जो मेन होता है उस पर सबसे ज़्यादा अटेंशन हम देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ABCD को ले लो, जैसे जब बच्चा ABCD सीखता है तो ABCD के 4 लेटर बच्चे को बिल्कुल 4 बार में ही रट जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब उसे ABCD सिखाते हैं तो A से D तक वो पहले उसे बोलना ही पड़ता है, उसके बाद के लेटर पे थोड़ा कम अटेंशन जाता है उसका, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, तो इसका ये भी अपन लोग ऐसे ले सकते हैं। ये तो हो गया आपका वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट है आपका आत्मनिष्ठ, ठीक है। तो आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं आपका, जैसे उसकी अपनी अपनी क्वालिटी क्या है, अपन का इंटरेस्ट क्या है,
अपन की पर्सनालिटी कैसी है, अपन की थिंकिंग कैसे है, कि हम लोग क्या चीज़ों पे अटेंशन देना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी खुद की इंटरनल क्वालिटी मैटर करती है कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें किन पे अटेंशन देना है। तो पहला है आपका आवश्यकता, ठीक है। तो आवश्यकता मतलब नीड। अब आपकी जो नीड होगी आपका अटेंशन उसी पर जाएगा, ये बात तो आप सभी समझते हैं, ठीक है। अगर आपकी नीड नहीं होगी तो आपका अटेंशन उस पर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको आसपास किसी भी चीज़ की खुशबू आ गई, किसी भी चीज़ की, चाहे वो खट्टी हो, मीठी हो या फिर तीखी हो, किसी भी चीज़ की, मसालों की, ठीक है। अब आपको खुशबू आई, चाहे वो बहुत दूर से आ रही होगी, लेकिन आपको भूख लग रही है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आपको भूख लग रही है और आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। तो वो खुशबू कितनी भी दूर से आएगी, आप उसे उस पर अटेंशन आपका चला जाएगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है, आपका अटेंशन अपने आप चला जाएगा। और जिस पर्सन का पेट भरा होगा वो पर्सन का अटेंशन उस पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टमक भरा हुआ है और उसके मस्तिष्क में ये इन्फॉर्मेशन सेव है कि उसको अब खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपके बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल उसके सामने ही पड़ा होगा, उसका फूड, लेकिन तब भी उसका अटेंशन उस पर नहीं जाएगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो यहाँ बात क्या हुई, यहाँ बात होती है आवश्यकता की, यानी कि नीड की। सेकेंड है अभिरुचि, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने पहली बार बोला था कि जब भी हम कोई भी नई चीज़, किसी भी चीज़ पे हमारा अटेंशन जाता है, तो अटेंशन में उस चीज़ की अपने इंटरेस्ट, मतलब हमारा अपना इंटरेस्ट भी मैटर करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को साइंस बहुत पसंद है और आर्ट नहीं पसंद है, तो वो कितना भी कोशिश कर ले आर्ट के सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट लगा ही नहीं पाएगा। तो जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो अटेंशन भी नहीं जाएगा उसके ऊपर। तो यही होता है कि जो बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है, जैसे मान लीजिए उसके सामने कोई गेम खेल रहा है, मान लीजिए सारे गेम चल रहे हैं, अब उसको बैडमिंटन बहुत पसंद है, ठीक है, जैसे हमें भी बहुत पसंद है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन जब कोई पर्सन देखता है तो ऐसा लगता है अरे हम चले जाएं, तो यहाँ पे अटेंशन तुरंत खींच लेता है वो चीज़। तो ये कारण होता है, हमारा इंटरेस्ट से ही हमारा अटेंशन मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ, यानी कि मीनिंग। अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उनका अगर आपकी लाइफ में मीनिंग हुआ, यानी कि वैल्यू होगी, कद्र होगी, तो आपका अटेंशन उस पर जल्दी खींचेगा। और अगर आपकी लाइफ में उसके कोई मीनिंग नहीं होंगे तो आप उसका अटेंशन बिल्कुल भी नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं, अगर उनके सब्जेक्ट की बात हो रही हो तो उनका अटेंशन जल्दी चला जाता है, भले ही जैसे मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, 10 ग्रुप में 10 लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पे एक पर्सन कंटिन्यू चीज़ें बोल रहे हैं, तो वहाँ पे उनका उनमें से उस ही ग्रुप के लोगों का अटेंशन ज़्यादा खींचेगा जिस टॉपिक के बारे में या जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगला है आपका जिज्ञासा। तो ये भी मैटर करती है, हर पर्सन की अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिज्ञासा में पर्सन जो है वो अपना क्या बोलते हैं कि उसकी अपनी जिज्ञासा कितनी है उस चीज़ के बारे में जानने की या उस पर अटेंशन देने की, ठीक है। जिज्ञासा सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है वो नया नया सीखता है, उसका अटेंशन नई नई चीज़ों पे भी जाता है। अगला है मनोवृत्ति, यानी कि उसका अपना एटीट्यूड, मतलब जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं अपने आसपास के वातावरण से, उसकी फैमिली से, तो पर्सन का जो अटेंशन है उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जल्दी खिंचता है। क्यों खिंचता है? क्योंकि जो पर्सन की जो एटीट्यूड होता है, जो उससे सिखाया जाता है, और जैसे उसका नेचर होता है, दोनों चीज़ें, जैसे उसका नेचर है और दूसरा जैसे उसका पालन पोषण किया गया है, दोनों ही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पर्सन जो है उसका एटीट्यूड क्या होगा, ठीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों पे जाएगा। नेक्स्ट है मनोदशा। तो मूड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो आपके आसपास की हर एक चीज़ आपको बुरी ही लगेगी, नकारात्मक दिखेगी, लेकिन अगर आप खुश होंगे तो आपको आसपास का नेगेटिव फैक्टर भी अच्छा और पॉजिटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका जो नज़रिया है वो आपके मूड पर डिपेंड करता है और अटेंशन आपके मूड से ही डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे अगर कोई पर्सन की घर में कोई भी ऐसे ट्रेजडी हो गई है जिसमें पर्सन कितना भी चाहे लेकिन परेशान है, हैं, मतलब कोई भी ऐसी ट्रेजडी, जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाना, है ना, या फिर पारिवारिक में कोई किसी को बीमारी हो जाना, ऐसे कोई मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन नॉर्मल बीमारी जिसका इलाज कंटिन्यू बना रहता है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट पर्सन के मूड पर पड़ता है। तो अगर वो पर्सन किसी भी एरिया में जाएगा तो उसका अटेंशन ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं खींचेगा क्योंकि उसका जो मूड है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, मनोदशा उसकी अच्छी नहीं चल रही। अगला है आदत। तो आदत तो सही होती है, बिल्कुल सही बात है कि हैबिट, अगर किसी चीज़ की हैबिट किसी पर्सन को डलती है तो उस पर उसका अटेंशन जल्दी खींचता है, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्य।
अब ये सबसे बढ़िया बात है, वैसे तो उसमें सारे पॉइंट अच्छे हैं, तो ये भी सही है कि हमें अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए कि हम किस लक्ष्य के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारा लक्ष्य डिसाइडेड है तो हमारा अटेंशन भी उसी चीज़ पे जाता है। ओके, थैंक यू।